क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा जायसवाल। पुष्पा जी, तो क्या माहौल चल रहा चुनाव का आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में सब फूल में चल रहा है। फूल में? आपका मत किधर होगा? मेरा तो वह 17 तारीख को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो मतलब आपका मत अभी गुप्त है? हाँ, मेरा भी गुप्त तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? और अगर नाखुश हैं तो आगामी सरकार जो आने वाली है या फिर जिसको आप लोग बनाएंगे, उससे आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उनसे मांग रखते हैं? मांग बताई, मान लड़का है, सरकार के चलते जेल चला गया, कौनो मतलब नीचा कौन सुनाई हो, शासन प्रशासन सब चोर है यहाँ, है ना। इधर की जेखा मन हो तेखा वोट दे, जेखा मन न हो सब मठों का। हाँ नहीं भाई, ये शासन के चलते हमारे लड़का बेकसूर के जेल में चला गया। पुलिस वाले चोर हैं, TI चोर हैं, SP चोर है, कलेक्टर चोर है। मैं लड़का के जेल में भेजी, कोनो कानून का फैसला नहीं करी, कोनो का निगरानी नहीं करी सी, सब चोर हैं। हमारे लड़का बेकसूर के हमारे लड़का जेल में है भाई। मतलब कि हम जो बतावे कसपट बताई थी, मेरी लड़का की जाँच नहीं करी, यहीं पटेहर हम चोर रहे, चोरों के चलते हमारे लड़का जेल में चला गया, कोनो निगरानी नहीं भाई। तो आपने इसकी शिकायत हम सबसे करें, कौनो जांच नहीं हो, जौन जौन 10 जरा हरे फंसाइन में लड़का का, तो उन्हें तो उन्हें जांच हो सही सही, मां लड़का गलत कह रहा कि नहीं कह रहा। पुलिस सहयोग नहीं कर रही? नहीं करी। पुलिस का पियाए के खवाए के रुपया दे के यहाँ पटेरा जितना लोफर रहे चोर रहे, तो मैं लड़का का फंसवाई। अच्छा। जबरदस्ती फंसवाइन, पिया पिया ले जाए मनोज बर्मस का वहाँ का रीबा ले जाए माँ केस बनवाइन। हमें शासन से बिल्कुल नाराज हैं, चोर है चोर, इतना है सब चोर। तो मतलब आप वर्तमान सरकार से नाखुश हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब अगर से हमारे का मतलब यह है कि जब मेरे लड़का के साथ घटना भर कौन जांच सही हो चाहिए, हमारे लड़का ने लड़ाई तो ना दंग, जैसे अपना कैमरा लेके आए हैं दीदी की फोटो खींचा लागिया, ये मैं फोटो खींचे चलते मेरे लड़के को बलाई के लेके ढाबा तक, मां लड़का ना मारी से न गरियाई कुछ नहीं कही, गले 1 साल करवा चौथ माँ। अब मतलब हमें लड़का का मिल के फंसवा दी चोर 10 जरा हरे, हाँ ना उनका दही हो दही जा रहा है, उनका मर जाए नाश हो जाए। कुल मिला के मतलब अपना कहे कि इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमका न्याय चाहिए, ना पुलिस अच्छे से निगरानी करी ना केव निगरानी करी, हमारा कहे मतलब अच्छे से निगरानी हो चाहिए कि मैं लड़का अगर हमारा लड़का गलत करे हो मारे हो व्यक्ति का तो का सजा दी जाए, अगर नहीं गलत कहे तो मारी कही जाए। सब चोर हमें लड़का हम तमाम गुहार लगान, SP को ले गुहार लगान कि हमारा लड़का गलत नहीं कहे, वीडियो रिकॉर्डिंग सब में कहा नहीं मारे है विकास जायसवाल नहीं मारे, फिर भी हमें लड़का का पड़ा जेल में भेज देना, 4 महीना हो रहा है, 13 तारीख से 4 महीना हो जी बेकसूर के मां लड़का जेल में है। का नाम है कक्कू? भैया लाल जायसवाल। भैया लाल जायसवाल, तो का माहौल है चुनाव के? चुनाव हो गए ठीक है, ठीक है माहौल, सब बढ़िया चल रहा? सब बढ़िया चल रहा। का है कौने पार्टी कौने प्रत्याशी के जिता इला है? नहीं पार्टी ना बतवाओ। नहीं पार्टी नहीं, तो अपना वर्तमान सरकार से खुश है? ना कुछ नहीं आहन भाई, सरकार देखिए ऐसा है कोई सूर्य लोग फांसी वाला की सुनत नहीं है, केदारनाथ विधायक रहे तो वहाँ के कुतबाल को मारपीट जा रहे, टोटर है जो उनके लगे जाए, कहीं चलो आता हूँ फोन करता हूँ, वो कह जिंदगी में कुतबाली के ऐसा न करा, बेकसूरी बेड़ा बांधा हत्यारी करा, एक हो गए। दूसरा यहाँ मवेशी जो हैं 500 चल रहे हैं, न सरकार सुना मोदी न शिवराज से न केदारनाथ, सारे ब्याग देखी बगार पड़े, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ सरकार के योजना के लाभ मिल रहा अपना का? हाँ दोनों योजना, वृद्धावस्था पेंशन मिला थी? अरे नहीं मिला, हुआ नहीं मिले। और लाडली बहने योजना जो है तब अपना घरे में केहू को मिला थी? हाँ मिसेज में मिलती है। अच्छा मिलती है, अच्छा आवास वास मिला है? आवास दे रहे हैं 1.5 लाख। अच्छा अरे वो 1 पीस। और कोनो योजना किसान निधि वगैरह हुकुम देते हैं? तो का मतलब मत सरकार का बदले के पीछे के का नजरिया है, काहे बदले चाहिए थी सरकार? सरकार हो गया नवा बनाबे चाहिए, है ना। हाँ चलिए बढ़िया। अब विशेष में केदारनाथ की वजह है ना, केदारनाथ विधायक जो है हाँ। तो बहुत रद्दी मान ली, एक तो चरमचार रहा होगा वसूली कर रहा था बोर्ड में, बात थी अपना प्रत्याशी के नाम जानी थे कांग्रेस के प्रत्याशी को है इधर की? अरे बहुत है यहाँ। नहीं सीधी से कांग्रेस के प्रत्याशी जान सी है सीधी से, और बीजेपी के बीजेपी के बाद पर्चा जाए
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दशमत प्रसाद जायसवाल। दशमत जी, दशमत तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में के रामपुर जो बोलते हैं, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का भैया मौका मिलेगा तो बताएंगे कितना प्यार करते हैं सनम। ऐसा है क्योंकि बफादारी न बताई चाहिए फूट फैल जब ताई मई तो नहीं। हम आपका ये जो मत है मत आप अपना गोपनीय रख सकते हैं, लेकिन सरकार से आपकी क्या ख्वाहिशें? हमारी ख्वाहिश यहाँ तो सरकार से नाराज हैं। देखिए हम लोग रहे, सुनिए बताइए, अब हमारी बात सुनिए। हम अस्थाई कर्मी रहे, डेली वेज में नौकरी कर रहे हैं। इन्हें सरकार ने हमको परमानेंट करी, पेंशन मिले और न निराश्रित नहीं मिले, ऐसे नौकरी कर रहे हैं, कौनो लाभ नहीं मिले हमका भाजपा सरकार से। ये अभी हमने एक क्षेत्र में गए थे तो वहाँ भी कई लोगों की यही प्रॉब्लम थी जो आपने बताई। अच्छा एक बात और रही, शिवराज सिंह 60 साल वाले का कहा था कि कुछ नहीं मिली, और जो 23 साल 22 साल के हमको सबको लागू है, और 60 साल वाले को ऊपर वाले के दे चाहिए जो वृद्धा हो गए हैं, तो उनका कहा था उनका लागू ही नहीं है भाई, जवान तो ऐसा खा कमा ले ही। जी जी, अब 60 साल वाले हम लोग 63 साल में रिटायर हो गए हैं, है ना, अब 63 साल में रिटायर हो गए तो क्या करी, निरस्तों पेंशन नहीं मिले और ना नौकरी वाली पेंशन मिले, नहीं राशि मिली है, ना गल्ला मिले ना कुछ भी मिले, कोनो लाभ नहीं है, तो कुछ ना कुछ दबाव नहीं चाहिए। कुल मिला के अपना परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन सरकार से ना खुश चाहिए कि हमको निराशि पेंशन दबावा और गल्ला नहीं मिले कोटा के, नहीं राशि पेंशन मिले। आप अपनी मांग वर्तमान सरकार से रखने की कोशिश की? अरे भाई हम सरकार देवे नहीं बके हो तो अकेले हम का करी बताई, परमानेंट नहीं करी, 40 साल की नौकरी बिता के चले आन घरे। तो क्या उम्मीद है कि आगामी सरकार जिसे आप बनाएंगे, जिसे आप चुनेंगे, तो वो आपके पक्ष में फैसला करे? कांग्रेस कह रहा है कि हम देंगे। अच्छा, भाजपा क्या बस चल रहा है कि हम करेंगे, अब केहू के कहा बताइए, है ना। वोट वोट है तो वोट, अब जब टाई मई तो नहीं थे, चलिए आज अब क्लियर क्या का बताए नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक नहीं, जब समय यही बना के वोट देगा है। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह चौहान। सुरेश सिंह, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बढ़िया है, कांग्रेस के पक्ष में ये लगता है, ये पटेहरा है। पटेहरा जी, तो कैसा चल रहा माहौल? माहौल अच्छा है। किस पार्टी का यहाँ सबसे ज्यादा वो? कांग्रेस का। कांग्रेस का, तो मतलब इसलिए कि बीजेपी क्या है, जुमला वाली पार्टी है, है ना, है ना। ये हम दे, ये अभी शिवराज सिंह का आप सुने होंगे कि उसको रोको, कमलनाथ को रोको, 1250 हम दे रहे हैं, 450 में जो दिया जुमला दिया, आप सुने भी होंगे, आप तो पत्रकार हैं, है ना, ये जुमला पार्टी है ना। मामा बना है, मामा बना है जी। ये बताइए, मामा तुम बहन मानते हो तो बहनोई कहाँ है तुम्हारे? बहनोई को ध्यान दोगे कि बहन भर है? जी जी है? चलिए बढ़िया, तो मतलब वर्तमान की जो सरकार है, मैं आप कितने नाखुश हैं? परिवहन श्रमिक अध्यक्ष भी हूँ जी, सीधी जिले का। अच्छा है, और मैं ये नहीं कि इन तक का अध्यक्ष हूँ तो इसलिए मैं इन तक का फेवर बता रहा हूँ, नहीं, आप पर आप लोग भी जानते हैं कि ये कितनी जुमले वाली पार्टी है बीजेपी, है ना। 1200 रुपए अभी आप मोदी का, शिवराज का सुने होंगे, अभी कल मोदी भी आए थे, तो अभी मोदी का क्या भाषण हुआ था कि चुनाव के बाद किसी गरीब को कुछ नहीं मिलेगा, आप सुने होंगे, आप मीडिया वाले है ना। अब कुछ मीडिया के देखिए उसके पक्ष में भी हैं जिसको दलाल बोला जाता है ना, कुछ मीडिया को खरीद के भी रखी है बीजेपी। तो आप सरकार की जो योजनाएं हैं वर्तमान बीजेपी सरकार की बात करें तो उन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, जैसे कि आपके घर में लाडली बहन, लाडली बहना, किसको दे रहे हैं ये वही बताएंगे। अच्छा, आपके घर में किसी को नहीं मिल रहा है कुछ, है ना, ना हम ले रहे हैं, मैं ले भी नहीं रहा हूँ। घर में आपके किसी को वृद्धावस्था पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, आवास वगैरह घर में कुछ नहीं मिल रहा है ना, मतलब आप कुल मिला के नाखुश हैं? भाई हम ही नहीं नाखुश हैं, यहाँ की जनता नाखुश है। तो परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो है, इस परिवर्तन चाहते, परिवर्तन है। अगले उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये खरीद फरोख्त करने में ये बीजेपी सबसे आगे है, है ना। कांग्रेस की कुछ विधायकों को खरीद के ले गया, अपना शासन सत्ता बना लिया, है ना। तो खरीद फरोख्त में अगर हम बोलते हैं ना, हमारे कल ईडी भेज देगी, सीआईडी भेज देगी, है, है? अभी मेरे कैंपस में बाईपास में झंडा लगा था कांग्रेस का, ठीक, उसमें ये पूछा गया कि आप व्यापारी हो, आप झंडा क्यों लगाए? मैं एक जनता ही भी हूँ,
बिल्कुल सही। तो मैं अपने घर में झंडा नहीं लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही है। बीजेपी पार्टी इतनी जुमलेबाज पार्टी है, तो क्या आप कांग्रेस सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जो आपने बोला है उसको खरीद रखते हैं? अभी जो आई थी कितने महीने थी वो कांग्रेस सरकार, उसमें जो वादा किए थी कांग्रेस वो की। उदाहरण में जैसे कर्जा माफी किया, सिलेंडर के लिए किया। कांग्रेस के ज़माने में 500 में सिलेंडर मिलता था, आज कितने मिलता है? 1130 रुपये में, 1150 में सिलेंडर मिलता है। जी जी है। तो अब वो 6 महीने सरकार थी, ठीक है ना, इतने में वो किया, कर्ज माफ़ी किया किसानों का। हम किसानों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आवास दी है बीजेपी, आवास बताती कि हम आवास दिए हैं, है ना। उतनी ज़मीन तुम मेरी सरकारी क्यों कर लिए, मेरा पूरा रिकॉर्ड लिए। उतनी ज़मीन जितने में हमारा आवास बना है, उतनी ज़मीन मैं किसी को अपने भाई को नहीं दे सकता। ये जुमले पार्टी है कि नहीं है आप बताइए? कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है जी जी। अब अच्छे उसमें बन रही है जी जी मध्य प्रदेश में। पहले उसमें जो चुनाव हुआ कांग्रेस सरकार बनी, जितने वादे किए थे तो सरकार कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा किया। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल, आज बिजली के बल जिसका 100 यूनिट आता था उसका बिजली के बिल कितना आता था आपको भी मालूम है। आज वही बिजली का बिल हम लोग 2000-3000 बढ़ रहे हैं। हम लोग किसान हैं, है ना। बीजेपी क्या बोली कि 1 से लेकर 5 तक का बिजली का बिल नहीं लगेगा किसानों को मोटर पंप का, ठीक। अब उस समय कांग्रेस ने वादा किया तो वादा निभाया, अब फिर वादा निभाएगी वो, है ना। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बन रही है, मतलब इस बार परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन है। नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है? रोहित कुमार साकेत, सुकुवारी से हूँ। सुकुवारी से हैं? हाँ। तो मतदान तो डालते होंगे, वोट तो डालते होंगे? हाँ, डालता हूँ। 20 साल सरकार थी, मुझे कुछ नहीं दी, गल्ला भी मिलता था वो भी कट गया, और घर के बोले थे वो सरपंच बोले थे वो भी नहीं दिए। अभी मतलब जब से मैं जानने लायक हुआ तब से बीजेपी है। अब मुझे सरकार लाना है कांग्रेस को, कांग्रेस भी ला के देखना है मुझे, मतलब देखना है। भरोसा है कांग्रेस पर? हाँ, भरोसा है, फुल सपोर्ट करूंगा। जितने हैं मेरे परिवार में, जितने नाना नाने घर है, मैं सब सभी जगह बोला हूँ कांग्रेस को वोट देना है। और मेरे गांव में सपोर्ट भी है, कांग्रेस को वोट सब देंगे। तो वर्तमान सरकार से बिल्कुल नाखुश है ना सरकार? तो हमको वो ला कांग्रेस ला के देखना है। आप युवा हैं और युवा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके मत बहुत अच्छे हैं, आपके जो विचार हैं। तो हम कुछ और जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप कुछ रोजगार करते हैं, मतलब रोजगार है आपके पास या फिर अभी बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, है ना। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और कांग्रेस सरकार की क्या नीतियां हैं रोजगार के लिए, बताइए आप भी। मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, स्कूल में जैसे फीस नहीं जमा रहती है, बाहर निकाल देते हैं, बोलते फीस जमा करो तभी बैठाएंगे, ये कोई तरीका है? अच्छा, मतलब ये सरकारी स्कूल का है प्राइवेट? सर प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट का तो उनका अलग है, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहती। तो और वो भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, आपके घर में सरकार सबके लिए बराबर है ना। आपके घर में माताएं बहने होंगी तो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं क्या? आवास? आवास नहीं मिला, घर नहीं मिला, गल्ला भी मिलता था वो भी कट गया, 25 किलो मिलता था 25 किलो, हाँ कट गया। हाँ, और जैसे कि अभी लाडली बहना योजना, तो उसका लाभ किसी को मिल रहा आपके में? उसका लाभ मेरे घर में नहीं मिला है, तो किसी को? किसी को भी नहीं मिला, ना दादी को ना मम्मी को। घर में दादी हैं जैसे? दादी को ना मम्मा को, किसी को नहीं मिला है। वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में पेंशन वाला है, तो पेंशन वाला भी मिल रहा होगा? पेंशन वाला मिलता था पहले, मैं जानता था, अब कट गया है। तो कुल मिला के सरकार से खुश नहीं है, बदलना चाहते हैं? मैं बदलना चाहता हूँ, बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे कौन सी सरकार चाहिए आपको? मुझे कांग्रेस चाहिए। क्या क्या आपकी मांगे हैं कांग्रेस सरकार से? मुझे आपके लिए क्या क्या करे कांग्रेस सरकार? मुझे घर चाहिए, गल्ला भी मिलता था वो भी कट गया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं आगे? ये सब चाहिए। हाँ, और कुछ मांग? मुझे जो लाभ है सब मुझे चाहिए, ये लाडली बहना जो है ये भी नहीं मिलता मेरे घर में। जो अभी सरकार है उसको देना ना चाहिए, सबके लिए बराबर न है। तो आप कांग्रेस सरकार से कौन सी योजना का लाभ चाहते हैं बताइए? मुझे तो बोल रहे हैं, मुझे कांग्रेस, उन्होंने कुछ वादे किए हैं, कौन से वादे किए हैं? मुझे कांग्रेस लाना है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।